गाइस, एकदम नज़दीक से मैं पिलर का व्यू दे रहा हूँ आपको, एकदम नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। डबल लाइन है, आप देख सकते हैं, एक ट्रैक ऐसे बिछेगा, एक ट्रैक उधर से बिछेगा। मैं हूँ सौरभ, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल और आपके चैनल में पटना इंस्टेंट में। और हम लोग आ गए हैं एक ऐसा साइट पे जहाँ पे मेट्रो का काम जबरदस्त चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो ये पुल का काम है, जो ओवरब्रिज का काम है, फ्लाईओवर का काम है, ये कितना हो चुका है, कितना बन चुका है। आप समझिए कि मेरे ऊपर से ये जो लाइट दिख रहा है आपको ना, यहाँ से कुछ दिन में मेट्रो गाड़ी पास करेगी, मज़ा आने वाला। पर मैं बता दूँ कहाँ पे आया हुआ हूँ, ये 90 फीट तरफ, 90 फीट से मैं लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो ये बन चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ये जो पुल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर तक तैयार हो चुका है। ऊपर में जो भी इसके जो पिलर्स के ऊपर जो लगता है, जो सपोर्ट लगता है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब समझिए कि इसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछेगा और उसके ऊपर रेल चलेगी, मतलब जो मेट्रो की गाड़ी आएगी वो चलेगी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिर से एक बार, फिर से हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त प्रशांत, जो कि पटनाइगर प्रशांत से फेमस है। तो कैसा लग रहा है प्रशांत जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे ख्याल से ये अभी तक का सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है मेट्रो का। जबरदस्त प्रोजेक्ट है। समझिए कि अब तो इसके ऊपर ट्रैक बिछेगा, उसके ऊपर ट्रेन दौड़ेगी, मतलब मजा आने वाला नहीं? बहुत ज्यादा, मतलब पटना के लोगों के लिए सबसे राहत की बात होगी। और प्लस इतना पहले ट्रैफिक होता था ये 0 माइल पे, जी ये ट्रैफिक कम हो जाएगा और प्लस ट्रैवल मतलब बहुत इजी हो जाएगा। बस सीधे आदमी वहाँ पे अनिशाबाद में चढ़ेगा और पहाड़ी के आगे उतरेगा। सोचते थे कि हम जाकर मेन पटना में जाके मतलब जाएं कि नहीं जाएं, सोचते थे, लेकिन इसके बनने से कहीं भी आदमी कहीं भी किसी कोने में, पटना के किसी कोने में ट्रैवल। तो देख सकते हैं गाइस कि क्या मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ की दूरी अगर नापा जाए तो 2 किलोमीटर से कम नहीं है जो कि ये पुल तैयार हो चुका है। और जो स्पीड में पटना मेट्रो में काम चल रहा है वो मतलब सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। यहाँ की गवर्नमेंट बोली है, ये जो भी लेबर के जो काम है यहाँ पे सैल्यूट है। और देख सकते हैं क्या मज़ेदार प्रोजेक्ट बन रहा है भाई, क्या मज़ेदार प्रोजेक्ट बन रहा है। मतलब आप समझिए, मैं आपको एक दिक्कत मतलब आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर ट्रेन दौड़ने वाली है और 2 ट्रैक आप देख सकते हैं, डबल है, डबल पिलर है, तो एक ट्रेन इधर जाए। समझिए क्या मज़ा आने वाला है, क्या मतलब एक फ्यूचर दिखने वाला है पटना में, कि हमारे पटना में मेट्रो रेलवे का जो सौगात है वो कुछ सालों में मिलने जा रहा है। और मुझे व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा है, उतना ही आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। एकदम नज़दीक से मैं पिलर का व्यू दे रहा हूँ आपको, एकदम नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। डबल लाइन है, आप देख सकते हैं, एक ट्रैक ऐसे बिछेगा, एक ट्रैक उधर से बिछेगा और एक स्टेशन उस साइड रहेगा। 90 फीट का ऑलमोस्ट गारंटी है कि वहाँ एक स्टेशन रहेगा और एक पहाड़ी तरफ स्टेशन रहेगा और बीच में ये रेलवे अपना काम करेगी दौड़ने की इस एक साइड से। ये जो आप देख रहे हैं पिलर की जो डायमीटर है काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी मोटा है, क्योंकि इस पर ट्रेन चलेगी। ट्रेन जो होता है ना उसका वेट काफ़ी होता है, तो सेफ्टी रखते हुए, सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो पिलर्स बना है ना काफ़ी बड़ा बड़ा बना है। और यहाँ का व्यू देखिए, ज़बरदस्त व्यू ना गाइस, मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ उसके, और समझिए कि ऊपर से ट्रेन जो है वो चलने वाली है हमारी। और ये देखिए यहाँ से आपका पूरा व्यू मैं दिखा दूँ, कंप्लीट व्यू। लुक देखिए आप, मतलब क्या मजेदार ये लुक देखिए आप, क्या ज़बरदस्त लुक है मेट्रो का। जो ऊपर पिलर बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ये जो लंबाई समझिए लगभग 1 किलोमीटर का लंबाई है। आपको मोबाइल पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा ये, कि काफ़ी कम है, बट ये बहुत दूर है गाइस। और आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार लुक है। और इधर भी देखिए, इधर भी बन रहा है, बट इधर बन के तैयार हो गया है। ऊपर से ट्रैक बिछेगी अब और ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी हमारा मेट्रो। और ये बहुत बहुत मतलब एक ज़बरदस्त लुक है ये गाइस। कि फीडबैक क्या लग रहा है, तो आप स्टूडेंट है भैया, है ना, तो ज़ोर से बोलिएगा। तो कैसा लग रहा है पटना में ये मेट्रो का वर्क देख कर आपको? अच्छा लग रहा है, अगर बनेगा तो और सुविधा बढ़ेगा। सुविधा बढ़ेगा, आप लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, कमी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अभी आप कहाँ के रहने वाले, पटना के या बाहर के रहने वाले? हम लोग रहने वाले हाजीपुर से। तो उस साइड भी प्रोजेक्ट जाएगा, पहले पटना में कम्प्लीट होगा, उसके बाद पूरा एक्सपेंड होगा। तो हम लोग अभी यहीं पे आए हैं। तो जैसा गाइस आपने देखा कि ये लोग जो है खुश हैं यहाँ के प्रोजेक्ट का जो निर्माण हो रहा है। ये था छोटा सा व्लॉग, एक मेट्रो का अपडेट, जो कि हम लोग आ गए हैं 90 फीट से पहाड़ी की तरफ, बीच में पड़ता है भूतनाथ का एरिया। और यहाँ पे जो देख रहे हैं पिलर का काम कितने स्पीड से चल रहा है, कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।